मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा। लेकिन मतलब ये जवान जो मूवी है मुझे बहुत बेस्ट लगी। अच्छा अच्छा, मूवियों के चक्करों में गदर करने लगे भाई। सीन देखो उसका, देखो क्या है, इस गंजे की पिक्चर को देख के मजा तो बहुत आ रहा है। हाँ तो दोस्तों आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं आगरा, तो अभी हम तैयार होके आ गए। अभी रास्ते में एक सूट लिया है, तो अभी देखो सोना जिद कर रही है स्कूटी चलाने की। मैं बोला तो पहुंच गए हम आगरा। ठीक है तो फिर चलते हैं भाई। हाँ तो दोस्तों जो हमने आपके लिए सरप्राइज़ रखा था वो सरप्राइज़ था, ये समझ गए होंगे आप कहाँ पे। तो भाई आज मूवी देखने आए, मूवी हमारी जवान है 12-15 पे। तो अभी हम दोनों ने गोल्ड की 2 टिकट ले ली हैं, बाकी अभी आपको और दिखाएंगे। ठीक है तो दोस्तों अभी यहाँ पे 2 मूवी लगी हुई है फ़िलहाल। एक तो ये जैसे आप देख पा रहे हो जवान, और एक ये ड्रीम गर्ल भी लगी हुई है। तो अभी हम जवान देखने आए हैं, तो अभी आगे अंदर का भी आपको सीन दिखाएँगे। यहाँ का भाई सीन देखो, चारों तरफ पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए हैं, जितनी मूवी चल चुकी है अभी तक या लेटेस्ट में ट्रेंडिंग में चल रही है। जैसे आप अभी यहाँ पे देखो ड्रीम गर्ल है, उसके बाद ये जवान है। भाई आज चिल करना दब आ गया। सोना का बहुत मन था मूवी देखने का, तो मैंने सोचा चलो एक दिन देख के ही आते हैं। तो यहाँ पर भी हमने गोल्ड की टिकट ली है, गोल्ड की 200 रुपये की टिकट है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और जहाँ पर हम मूवी देखने आए हैं वो आगरा में भावान टॉकीज़ के पास में ओमैक्स मॉल है, उसके अंदर हम मूवी देख रहे हैं। आओ आप भी मज़े लो। ये देखो सीन देखो यहाँ का सीन। हाँ तो भाई हम तो आ गए मूवी देखने। जिस भाई को आना है आप सभी आओ, मूवी देखो। आपके परिवार में कोई भी है बोल रहा है चलो मूवी देखने चलते, तो आ जाओ सभी, मज़े लो। फिलहाल जवान चल रही है और ड्रीम गर्ल भी चल रही है, तो हमने तो जवान की टिकट ली है। तो जवान मूवी बढ़िया है, अभी देख के और बता देंगे आपको कि कैसी लगी हमें मूवी। और ये देखो कैसे सिगरेट पी रहा है, खुले में बेतरतीब भी रहा है। और इसको देखना ये क्या कर रहा है भाई, ये तो आग में जले पड़े भाई। इतने पोस्टर लगा दिए कि ऐसे देखोगे, देखते देखते साला दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा, बोला कौन सा देखूँ। देखो आप खुद देखो, इसको देखो, बेतरतीब पोस्टर लगे हुए हर जगह, जगह जगह पोस्टर। मैं भी कन्फ्यूज हो रहा हूँ पता नहीं कौन सी मूवी देखूँ। पहले तो मैं सोचा देखो ये पद्मावती भी लगा रखी है, देखो ऐसे ही है। हाँ तो भाई अभी 12:15 होने वाली है, लगभग 12:10 हो गया। तो अभी देखो सोना फ़ोन पे बात कर रही है, बता रही है बोला मोबाइल देखने, क्या बता रही सोना, बोला मूवी देखने आई हूँ। बाकी कौन सी वाली हर गया सोना, बोला वीडियो बना के, मैं जैसे अभी मैंने वीडियो बना ली तो मैं उसको सुनता हूँ कि क्या कमी रहेगी या कैसा सूट आया, तो बोला ये वाली हरकत मत किया करो। क्यों ये वाली हरकत क्यों नहीं? देख लो भाई क्या हो गया यार। अभी जैसे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो उसको एक बार देख लिया तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोला ऐसे मत सुनो, बार बार सुनते रहते हो। मैं देखता हूँ यार कैसा आया कैसा नहीं आया, कैसा बोला है। बाकी तुम भी कुछ बोलो, कैसा लग रहा है? काली काली तो है। कैसा लग रहा है मूवी के लिए? मैं काली दिख रही हूँ उधर उधर साइड से। नहीं नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कैसा लग रहा है, क्या कैसा अभी मूवी देखने है, कैसी खुशी हो रही है। सोना का बहुत दिल था, मेरा तो नहीं था, मैं तो उधर देखते ही रहता मूवी। और सोना बोल रही थी बोला मूवी दिखा दो, 2-3 दिन से प्लान चल रहा था, फिर सोचा चलो आज ही चलते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है सोना? अच्छा लग रहा है ना, ठीक है बढ़िया है। बाहर बहुत गर्मी है, यहाँ के थोड़ा माइंड ठंडा हुआ, नहीं तो गर्म हो गया था इनकी मूवी के चक्कर। भाई एंट्री हो गई भाई, भाई की एंट्री हो गई। अरे भाई अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पे, तो देखना पूरा खाली है भाई। अभी तो ऐड चल रहा है, ये तो बिल्कुल खाली हो रखा है भाई। निकला है जवान, अरे भाई मौज कर दी भाई, मजा आ रहा है भाई। नंबर नंबर कहाँ है इसके? 12, 13, 14 नंबर सीट थी अपनी, कौन सी थी देखना टिकट खोल के। भाई 12-13 नंबर कहाँ पहुँचेगी? 12-13 का पता है नहीं भैया? नहीं आप भी मेरी तरह ही। हाँ तो भाई अभी आ चुके हम थिएटर में, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सीट नहीं मिल रही थी तो बहुत है यहाँ पे हेल्प करने वाले, तो उन्होंने बताया ये सीट है। तो अभी हम अपनी चेयर पे आ चुके हैं, अभी आपको आगे का सीन दिखाते रहेंगे। ये देखो भाई थिएटर का सीन, भाई बहुत तगड़ा लग रहा है भाई। आपको वीडियो में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना यार। रियल आंखों से बहुत मस्त दिख रहा है भाई, एक नंबर मजा आ गया भाई, मौज कर दी रे। अच्छा लग रहा है सोना, कैसा लग रहा है? सोना के मन की होगी भाई, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था। चलो ठीक है, मुझे आ रहे हैं भाई बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है मूवी देखने आए तो। गए थे तो अभी तक तो हम दो थे, अभी देखो हमारा तीसरा कमांडो जिसको आप बहुत देर से देख रहे होंगे वो मिल नहीं पा रहा था। देखो ये भी आ गया भाई, आगे जब से देख नहीं रहा था ना वीडियो में, अभी दिखेगा। अभी आगे नहीं दे रहे थे यार, उन्होंने गड़बड़ी कर दी। पता क्या बोला, हमने 12:15 की बोली थी टिकट की, लेकिन उन्होंने 12:55 की काट दी और मुझे बोला कि तुम दूसरे ऑडिटोरियम में चले जाओ। बताओ यार, आए तीनों एक साथ है तो टिकट एक साथ ही लेंगे ना, और एक पास में ही बैठेंगे। बोला तुम दूसरे ऑडिटोरियम में चले जाओ और तुम दोनों एक साथ रहो। मैंने भाई ये बात नहीं बनेगी भाई। फिर देखो क्या किया, मैंने लड़ झगड़ के मैं दूसरी एक्सचेंज करके दे मुझे, ठीक है एक्सचेंज करके मैं कहाँ आ गया भैया, ऑडिटोरियम में आ गया। फिर दूसरी एक्सचेंज की, अभी हम तीनों साथ में मूवी देख रहे हैं। देखो भैया, इस गंजे की पिक्चर को देख के मजा तो बहुत आ रहा है, आगे की पता चले। एक बार और दिखाओ इसको। बुढ़ापे में पिक्चर बना रहा जवान। हाँ तो अभी मैं क्या कह रहा था कि बुढ़ापे में पिक्चर बना रहा है वो, तो ठीक है चलो, उसका पैशन है और उसका आर्ट है, उसकी वो उसका काम ही यही है। पिक्चर का नाम देखो कौन से, क्या नाम भैया पिक्चर का? बोला उम्र है 55 की और मूवी का नाम रख दिया जवान। लो भाई 55 की उम्र नहीं है, 55 से ज्यादा होगी, पर मतलब बुढ़ा बना रहा है जवान, ठीक है। नाम है इसका शाहरुख खान। वाह क्या बात है। हाँ तो भैया अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं, इंटरवल हो चुका है, अब वेट करना है कि इंटरवल खत्म हो और जाएं। तो यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर हम देख रहे थे अभी। पता क्या पोस्टर मिला हमें? पोस्टर मिला ड्रीम गर्ल का। तो ड्रीम गर्ल में चलो गर्ल का सीन तो पता चल रहा है कि वो लिपस्टिक वगैरह या फिर अपना क्या क्या बोलते हैं उसको, मेकअप वगैरह करती है, उनको सूट भी करता है, ठीक है। लेकिन ये इसको देखो, जूम करो इसको देखो, ये लिपस्टिक लगा रहा है, देखो उसका में लिपस्टिक है, ये क्यों लगा? और ये देखना है क्या क्या एक्सप्रेशन दे रही है, क्या है ड्रीम गर्ल एक्सप्रेस, क्या है भाई, क्या सीन है इसका? ये पता नहीं है, हद हो रही है वो। रुको दिखाता हूँ। हाँ तो भैया क्या ये इसका तो चलो ये ठीक है, लेकिन इसका इसने क्यों पकड़ रखा है भाई? ये भी मूवियों के चक्करों में गदर करने लगे भाई। सीन देखो उसका, देखो क्या है, क्या पोज दे रही भैया ये। नाम है मूवी का ड्रीम गर्ल। तो भैया अभी हम यहाँ आए थे बाहर, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो मेरी टिकट में दिक्कत कर रहे थे वो कौन थे। ये जो पीछे दो बंदे दिख रहे हैं, ये दिक्कत दे रहे थे भाई, इनसे लड़ झगड़ के टिकट ले आया तुम्हारा भाई, भैया बाबू के साथ बैठने के लिए, ठीक है। अरे मॉल का नाम बता दो भैया, ओमैक्स मॉल। ओमैक्स मॉल भगवान नियर बाई भगवान टाकी आगरा, आ जाओ घूमो फिरो मौज लो यार, सिस्टम एंकर। हम भैया को हर बार बोलते हैं, भैया हम आपको हर बार बोलते हैं कि भाभी को मत लाया करो क्योंकि वो थक जाती है। देखो फिर थक गई। फिर कम हो गया, बोला उधर से तो गर्मियों में गर्मी की वजह से परेशान हो गई, अब यहाँ ठंडी लगने लग गई, ठीक है। अब देखो सुनो, गर्मी से भी परेशान, ठंड से भी परेशान। गर्मी में से आए तो कहते हैं गर्मी है, परेशान हो गई, ठीक है। अब जब AC में बैठे फिर भी परेशान हो, बोले ठंड लग गई। अभी क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं लगी, तुम भी तो कह रहे थे मेरे को ठंड लगी है। किसको? इनको। तो हल्की हल्की तो भाई सभी को लगती है ना, तो इसको लगी है, मेरे को नहीं लगी। मुझे आदत है भाई एसी में रहने की, गर्मी रहने की, पावर है पावर है। हमारे भाई को डायलॉग कौन सा पावर है? हमारे भाई को सब तरीके की आदत है, ठीक है, एनर्जी है, ऐसी थोड़ी है, हल्का हल्का समझ ना क्या है, सिस्टम है। किस सिस्टम है? ज्यादा बन गई भाई, सिस्टम है, सिस्टम है। हाँ तो भाई अभी मूवी स्टार्ट हो गई हमारी, ब्रेक हो गया तो अभी चलते हैं, दिखाएंगे आप। हाँ चले अभी, चलो फिर। हेलो आया सोना कैसे बैठी है, गाँव के ऐसे ही बैठा था ना। ठीक है कि कॉपी मिल गई है, उस ऑर्डर पे मुझे एक इंडियन सिटीजन का साइन चाहिए। अरे हाँ तो मैं हूँ ना इंडियन सिटीजन। हाँ आधार, पैन, वोटर आईडी सब है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे नागरिक का नहीं, दी ऑनरेबल हेड ऑफ स्टेट का साइन। अब ये हेड ऑफ स्टेट के सिग्नेचर की डिमांड कर रहा है। भाइयों मूवी होगी खत्म, अभी चलते हैं, अभी बाहर का ब्लॉग दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरी। भाई मजा आ गया, सोना कैसा लगा? मौज कर दी भाई। हाँ तो दोस्तों अभी हमने मूवी देख ली, अभी जस्ट वहीं से आ रहे हैं, तो अभी हम मूवी का रिव्यू लेते हैं। सोना को क्या अच्छा लगा, कैसा लगा सोना को? हाँ अभी बताओ। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी मूवी। अच्छी लगी? हाँ। मतलब क्या उसमें ऐसा सीन देखा? उसमें सबसे बेस्ट लगा मेरे को जो, जैसे हम उसने बताया था ना कि ऐसे वोट डाल देते हैं बिना उसके, उसने नॉलेज दिया। पहले किसी को भी वोट देने से पहले, ये नहीं 1000 रुपये दिए उसने और आपने वोट दे दी, अच्छा। किसी को भी वोट देने से पहले उससे क्वेश्चन करो, उसका ये जानो कि वो उस वोट लायक है कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ये तो ठीक है। फील कैसा हुआ मतलब? क्योंकि आजकल यही चल रहा है ना यार, कोई ऐसे भी पैसे लेके वोट दे देता है, और कहते हैं ना बिना नॉलेज वाला नेता बन जाता है। चलो फिर वो पॉलिटिक्स में जोड़ो, मैं ये बोला फील कैसा कर रहे हो पॉलिटिक्स में जोड़ो। बहुत अच्छा, मेरे को ये मूवी आज के हिसाब से बहुत बेस्ट लगी लोगों को। अच्छा तो इसमें मतलब पहली एक्चुअल में जो जानना चाहता हूँ वो ठीक है। पहली बार मतलब आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहोगे, कैसी मूवी है, कैसा फील किया, पहली बार मूवी देखी तो कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने फर्स्ट टाइम मूवी देखी तो बहुत अच्छी लगी है। अच्छा। लेकिन मतलब ये जवान जो मूवी है मुझे बहुत बेस्ट लगी। अच्छा अच्छा, मतलब जवान बहुत तगड़ी मूवी है भाई, इसमें शाहरुख खान का डबल रोल है, बहुत तगड़ी मूवी है, उससे बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ उसमें ओपनली दिखाया गया है कि ये गलत हो रहा है आजकल। अभी 1-2 पॉइंट मैं बता देता हूँ। सबसे मेन तो उसमें उसका शाहरुख खान का डबल रोल कैसे कि एक बाप है और एक बेटे का रोल किया है। बाकी इंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा है, बाकी और गाने भी मतलब 1-2 अच्छे हैं, बाकी अभी ये बताएंगे भाई हमारे। हाँ हाँ तो भैया मूवी हम देखा है, और मूवी का पूरा कंक्लूजन ये है कि मूवी धमाकेदार है, धमाकेदार देश के ऊपर है। और भाई सबसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे अपने देश में करप्शन चल रहा है, उसको उस करप्शन के ऊपर है, ठीक है, करप्शन के ऊपर है। और देश में जो इनको बोलते हैं दल्ले दलाल जो बोलते हैं, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, तो इस मूवी में एक था काली नाम का, मतलब जो उसको वो बोलते हो विलेन, विलेन था, विलेन ठीक है। वो जो है गन की सप्लाई करता था, तो उसकी जो गन थी वो इंडियन आर्मी को देता था, और उसकी गन जो कभी भी चलती नहीं थी, सिंगल शॉट फायर करके बंद हो जाती थी। और कभी भी मतलब उसी वजह से जवान मूवी में जो दिखाया गया है, जो हमारे 27 जवान थे वो खत्म हो गए थे, इसी वजह से शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे। कंपनी ने मतलब बेकार वेपन बनाया था, पास किया था, तो उसने फिर जब ऐसा किया तो उसकी फैमिली से काली ने बदला लिया। और फिर शाहरुख खान का इसमें डबल रोल है, बाप बेटे का रोल है, तो उन दोनों ने फिर अपनी फैमिली का बदला लिया। और इसमें क्लाइमेक्स ये रहा कि शाहरुख खान जो है विक्रम सिंह राठौड़ जो था वो एंड में जिंदा आ जाता है, ठीक है, बच जाता है। और उसने फिर जो मूवी में धमाल मचाया ना, देखने तो लायक, देखना यार पूरी मूवी तो एक्सप्लेन करूंगा। आओ देखो, बाकी और मौज लो, जिंदगी के मजे करो, बाचा मैंग करो। बाकी और मूवी के बारे में जानना है तो भाई आओ आगरा में देखो किसी भी, हम तो फिलहाल ओमैक्स में देखी हमने। हम तो SRK मॉल में है आगरा। आपके नियर बाई जो भी मॉल हो, अगर मॉल में नहीं देख पा रहे भाई फोन में डाउनलोड करके देखो, कहीं भी देखो लेकिन देखो भाई मूवी बहुत जबरदस्त है। हम ऐड भी करते हैं और सब चीज करते हैं, ठीक है। हम आगे आने वाले वो है ना फेमस व्यक्ति। अभी चक्कर क्या है, अभी जैसे हमने मूवी देखी तो हमें अच्छी लगी, बहुत से बंदे रिव्यू लेके देखते हैं मूवी को। जैसे मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, कोई तारीफ करता तभी मैं उस मूवी को देखता हूँ, नहीं तो नहीं देखता हूँ मैं। हम आने वाले सेलिब्रिटी हैं तो एडवर्टाइजमेंट करना है, जवान करेंगे वो तो शाहरुख खान और भी फेमस हो जाएगा और क्या। ठीक है भाई, तो भाइयों अभी इसी व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और आगे हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपको दूसरे व्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। वो सरप्राइज है आपके लिए, वो दूसरे व्लॉग में पता चलेगा। वैसे हम जा तो भी वहीं रहे लेकिन वो दूसरे व्लॉग में आएगा, ठीक है। इस व्लॉग की यहीं पे फिनिशिंग करते हैं। प्यार बरसाना सभी, ठीक है, प्यार बरसाओ भाई, सपोर्ट करो, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।